नमस्कार, इस वीडियो में हम व्हर्लपूल का माइक्रोओवन मॉडल है AMW735IX इसका डेमो देखेंगे। ऑपरेटिंग इंटरफेस आप देखेंगे, लेफ्ट साइड में कुछ की दी हुई है, राइट साइड में कुछ की दी हुई है। हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। पहला की हमारा स्टॉप कैंसिल का दिया हुआ है, दूसरा की बैक का दिया हुआ है जिससे हम बैक कर सकते हैं। अगला जो की है, दो की दीवे है, एक के ऊपर एक, ऊपर नीचे। ऊपर वाला जो की है वो ऑटो का है, ऑटो मेनू, और नीचे वाला जो की है वो मेनू का है, फंक्शंस का। उसके आगे जाएंगे आप तो आगे भी दो की दी हुई है, ये अप डाउन के लिए दी हुई है की। आप इससे टाइम, टेम्परेचर, वेट इस की से आप सेट कर सकते हो। इसका अगला जो की है वो कन्फर्म के लिए दिया हुआ है, आप प्रोग्राम कंफर्म करने के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। और उसके जो अगला की दिया हुआ है वो प्ले के लिए दिया हुआ है। आपका प्रोग्राम सेट करने के बाद आप इस की से प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं। हम आगे इसके फंक्शन देखेंगे। जब आप इसे पावर देते हैं तब ये डिस्प्ले पे आपको इंग्लिश लिखा हुआ डिस्प्ले कर रहा है। ये लैंग्वेज का सेटिंग आपको करना है। लैंग्वेज सेट करने के लिए अप डाउन की से आप आपका जो भी लैंग्वेज है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट करने वाला हूँ। अभी डिस्प्ले पे इंग्लिश आ रहा है, एक बार कंफर्म प्रेस करेंगे लैंग्वेज सिलेक्ट हो चुकी है। टाइम हमें सेट करना है तो हम टाइम भी सेट करते हैं, मिनट सेट करने हैं। हमारा इसका टाइम भी सेट हो चुका है। अब हम फंक्शन देखेंगे। ऑटो रीहीटिंग का फंक्शन है, इसे ऑटो के की से हम सिलेक्ट करेंगे और कंफर्म की एक बार दबाकर हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम इसे इसका जो भी वजन है फुट का वो देंगे। प्रोग्राम सेट कर दिया है, इधर वेट मैंने दे दिया है। एक बार कंफर्म करेंगे फिर इसे हम प्ले के बटन से स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये स्टार्ट में हुआ है, यहाँ पर डोर लिख कर आ रहा है। इसका मतलब है इसका डोर ठीक तरह से लगा नहीं है। हम इसका डोर ठीक तरह से लगाएंगे और प्ले बटन दबाएंगे। अभी ये स्टार्ट हो चुका है। ऐसे ही हम अगला फंक्शन देखते हैं ऑटो मेनू में। ये रेटिंग वाला हमने देखा। अगला डिफ्रॉस्ट का फंक्शन है, सिलेक्ट करने के लिए एक बार कन्फर्म करना है। कन्फर्म करने के बाद हमें डिफ्रॉस्ट का जो भी आइटम है उसका वज़न हमें इधर देना है। वज़न देने के बाद कन्फर्म करना है और प्ले, हमारा डिफ्रॉस्ट प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। हम अब अगला फंक्शन देखते हैं डिफ्रॉस्ट का है। डिफ्रॉस्ट के लिए हम डिफ्रॉस्ट पे डिस्प्ले पे देखेंगे, सिलेक्ट करेंगे, कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद उसका वेट देंगे, जो भी फूड का अपने वेट है, और एक बार कंफर्म करके प्ले करेंगे। प्ले का बटन दबाने के बाद डोर लिख के आ रहा है तो हमें डोर खोल के फिर से लगाना है और प्ले करना है। ये हमारा स्टार्ट हो चुका है। हम अगला फंक्शन देखते हैं क्रिस्प का। हमारा अगला फंक्शन है, कंफर्म करेंगे, उसका वेट दे देंगे क्रिस्प के लिए। क्रिस्प में आपका माइक्रो चलेगा, बॉटम कॉइल चलेगा और ग्लिनिंग चलेगा। ये सारे फंक्शन एक ही इस प्रोग्राम में चलेंगे, सारे हीटिंग एलिमेंट। वेट दे दिया है, प्ले से हम स्टार्ट करेंगे। ये स्टार्ट हो चुका है। हमें इसे खाली चलाना नहीं है, ये माइक्रो का फंक्शन है। खाली हम चलाएंगे तो इसमें प्रॉब्लम आ सकता है। हमें इसमें फूड रखकर ही इसे स्टार्ट करना है। ये ऑटो मेनू में अगला फंक्शन है कुक का। कुक मैं सिलेक्ट करूँगा, कंफर्म करूँगा। उसका जो भी वेट है मैं उसका वेट दे दूँगा और प्ले से स्टार्ट करूँगा। ये मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। हम अगला फंक्शन देखते हैं। रीहीटिंग हमारा हो चुका है, डिफ्रॉस्ट हमने देखा, क्रिस्प भी हमने देखा, कुक भी हमने देखा। तो हमारा ये ऑटो मेनू हमने सारे देख लिए। अब हम इसके फंक्शन देखेंगे। मेन मेनू में हम इसके फंक्शन देखेंगे। पहला वाला जो फंक्शन है ये माइक्रो का है, पावर लेवल डिस्प्ले कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है। हमें पावर लेवल सेट करना है तो इस अप डाउन की से सेट करना है। इसका डिफॉल्ट पावर लेवल 650 है। आपको पावर लेवल बढ़ाना है तो इससे आप बढ़ा सकते हैं, घटाना है तो इसी से आप घटा सकते हैं, और
एक बार कंफर्म करेंगे, फिर ये टाइम ब्लिंक करेगा, टाइम हमें सेट करना है और प्ले से हमें स्टार्ट करना है। इस फंक्शन को खाली आपको खाली कैविटी रख के चलाना नहीं है, ओवन में आपको फूड रखना है। हम अगला फंक्शन देखते हैं। अगला फंक्शन हमारा बॉटम कॉइल ग्रिल विथ माइक्रो, इसमें सारे एलिमेंट चलेंगे हीटिंग के। करने के लिए अप डाउन की से हम टाइम देंगे और प्ले से हमारा ये प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। हम अगला फंक्शन देखते हैं। अगला हमारा फंक्शन ग्रिलिंग का है, इसमें सिर्फ ग्रिलिंग होने वाला है। ग्रिलिंग सेलेक्ट करेंगे, कंफर्म करेंगे, टाइम सेट करेंगे। इसमें टाइम सेट करने के बाद प्ले से हम ये ग्रिलिंग स्टार्ट करेंगे। ग्रिलिंग इधर सिंबल दिखा रहा है, स्टार्ट हो चुका है। ये टर्बो ग्रिल का सिंबल है ये फंक्शन, इसमें हम इसे पावर लेवल है, ये पावर लेवल अप डाउन की से हम इसका पावर लेवल सेट करेंगे, कंफर्म करेंगे, टाइम हमें इसे देना है। इसमें माइक्रो प्लस ग्रिलिंग होने वाला है, ये माइक्रो का पावर लेवल है, टाइम सेट करना है, प्ले दबा देना है, आपका ये प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। अगला हमारा मेनू आता है सेटिंग का। सेटिंग में अपना लैंग्वेज आएगा, पहला क्लॉक, ब्राइटनेस, इको मोड, साउंड, फिर से लैंग्वेज। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए कंफर्म करेंगे, इसमें सारे लैंग्वेज आ जाएंगे। जो जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है हाईलाइट कीजिए, कंफर्म से कंफर्म कर दीजिए। साउंड सेट करना है, वॉल्यूम कंफर्म कीजिए एक बार, ऑन रखना है या ऑफ रखना है। ऑन रखना है तो ऑन पे रखिए, हाईलाइट कीजिए और कंफर्म कीजिए। क्लॉक सेट करना है तो यहाँ से भी आप क्लॉक सेट कर सकते हैं, कंफर्म कीजिए। टाइम सेट कीजिए अप डाउन की से, कंफर्म कीजिए, मिनट ब्लिंक करेगा, मिनट दीजिए, फिर कंफर्म कीजिए, आपका क्लॉक सेट हो जाएगा। ब्राइटनेस सेट करने के लिए हाईलाइट करेंगे, ब्राइटनेस के लिए एक बार कंफर्म करेंगे, मीडियम चाहिए, लो चाहिए, हाई चाहिए, मैं हाई रखने वाला हूँ तो इसे कंफर्म करूँगा। इको, इको हमें स्टार्ट करने के लिए सेट करने के लिए कंफर्म करेंगे, इको ऑन रखना है ऑफ रखना है, मैं ऑन रख रहा हूँ, ऑन से ये कन्फर्म हो। ये आपका पावर एनर्जी सेव करने के लिए ये फंक्शन आपका हेल्प करता है, तो इसे आप ऑन ही रखेंगे तो ये बेहतर है। यहाँ पर हमारे सारे फंक्शन हमने कवर कर लिए हैं। हमारा माइक्रोवन का डेमो पूरा हो चुका है। वर्लपूल का मॉडल है AMW 735 IX, इसका हमने डेमो पूरा कर लिया है।